नमस्कार, आप सभी का समाधान इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। गिरिडीह विधानसभा से इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे सुदीप कुमार सोनू हम लोगों के साथ हैं। बता दें कि आज वो लोगों से जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं, लोगों को अपने और आकर्षित करने के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले धन्यवाद, और आपके माध्यम से वो दर्शक जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप सक्रिय रूप से राजनीति में तीसरी बार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, कई लोगों के साथ आप हमेशा संघर्षरत रहते हैं गिरिडीह विधानसभा के लिए, क्या लगता है इस बार क्या ऐसी बड़ी मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं जो आप लोगों के बीच लेके जा रहे हैं और आप अपने लिए आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये सही बात है कि मैं राजनीति में पिछले 30 वर्षों से हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझ पर भरोसा किया और तीसरी बार मुझको ये टिकट दिया है। पिछले चुनावों के अलग इस चुनाव की स्थिति यह है कि 5 वर्षों की इस डबल इंजन सरकार ने झारखंड को ऐसा खोखला किया है कि झारखंड का कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। चाहे आप छात्र की बात करें, चाहे आप किसान की बात करें, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, भूख से मौतें हो रही हैं। व्यापारी की बात करें, व्यापारी अब तो व्यापारियों की मार्मिक पुकार सुन लो, सरकार के पोस्टर लगा रहे हैं। आम जनता की बात अगर आप करते हैं तो गैरमजरूआ ज़मीन के प्रतिबंध से, रसीद और रजिस्ट्री के प्रतिबंध से लोग त्राहिमाम हैं। तो मुझको ये लगता है कि इनके इस कुशासन का अंत झारखंड की जनता चाहती है, और स्थानीय विधायक जिनका 10 वर्षों का 2 कार्यकाल पूरा हो चुका है पूरी तरीके से जनता से कटे रहे, अपने चिन्हित 5 लोगों को लेकर वो घूमते रहे। इसलिए मुझको लगता है कि सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को मैं बड़े अंतर से पराजित करने में कामयाब रहूँगा। जी, आप गिरिडीह विधानसभा के अंतर्गत ऐसे अस्पताल की जो व्यवस्था है, ऐसे तो सवाल सरकार से पूछनी चाहिए, लेकिन सरकार में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी रही है, उदासीन रवैया रही है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, चाहे अस्पताल की बात कर लें, रेफरल अस्पताल, सदर अस्पताल की बात कर लें, उदासीन रवैया देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी सरकार आती है या आप यहाँ से जीतते हैं, किस प्रकार से आप अस्पताल की व्यवस्था को सुधार? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में मात्र 14 महीने की सरकार थी, जिसमें 2-2 चुनाव हुए थे, और आप जानते हैं कि प्रत्येक चुनाव में 2 महीना से ज़्यादा आचार संहिता प्रभावित होती है। तो 14 महीने में 4 महीनों का आप काट दें तो 10 महीने मात्र हेमंत सोरेन जी को इस प्रदेश की गद्दी पर बैठने का मौका लगा। और आम जनता आज भी यह कहती है कि वह 14 महीनों का जो शासन था वो झारखंड का स्वर्णिम काल रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, 5 वर्षों की इस सरकार ने जिला के अस्पताल को, सदर अस्पताल को रेफरल अस्पताल बना दिया। पैर की हड्डी टूटती है और डॉक्टर यहाँ से धनबाद रेफर करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का अक्सर अस्पताल कर्मियों के साथ इस बात के लिए झगड़ा होता रहता है। मेरा ये मानना है कि अगर जनता ने मुझको मौका दिया तो स्वास्थ्य के लिहाज से सदर अस्पताल को बेहतर परिस्थिति में लाना, ट्रॉमा सेंटर की स्थापना करना, बर्न यूनिट जो बनी थी जो आज समाप्त हो चुकी है उसकी बात करना, और साथ साथ शिक्षा के मामले में केवी सहाय साहब के समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर या संरचनाएं, मूलभूत संरचनाएं जो बनी यहाँ पर शिक्षा के लिए, उसमें कोई वृद्धि आज तक दिखी नहीं। तो मैं ये ज़रूर मानूंगा कि अगर मेडिकल कॉलेज आता है और वो कोडरमा चला जाता है और हमारे विधायक, माननीय विधायक चुप रह जाते हैं, राज्य सरकार में दबाव डाल के नहीं करा पाते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये बुनियादी चीज़ें हैं। अगर इन 3 विषयों पर बेहतर काम किया जाए तो हमको लगता है कि जनता की बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। उत्तर भारत में जातिवाद की राजनीति बहुत होती है, उसके बिना राजनीति में सफल कोई नहीं माने जाते हैं, क्या लगता है इस बार गिरिडीह विधानसभा में जातिवाद भी इस बार हावी होगा? नहीं, इस बार झारखंड के चुनाव में झारखंडियत हावी होगी, झारखंडी विचारधारा और झारखंडी सोच हावी रहेगी। लोगों को अपना प्रदेश बचाना है, वह प्रदेश बचाना है जहां उनके पुरखों ने हड्डियां गलाई है, वह प्रदेश बचाना है जहां उनके नौनिहाल आज पढ़ाई कर रहे हैं, और वो किसी परिस्थिति में नहीं चाहेंगे कि इस छत्तीसगढ़ के रघुवर दास को दोबारा 5 साल का मौका देके अपने सोना झारखंड को समाप्त करें। तो मुझको ये पूरा भरोसा है कि झारखंड में इस बार झारखंडियत हावी रहेगी और झारखंडियत जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए आपका। तो इस बार झारखंड में झारखंडियत रहेगी कहना है इनका, और चुनाव बड़ा दिलचस्प है गिरिडीह विधानसभा का। बने रहें समाधान इंडिया के साथ, कैमरामैन महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, गिरिडीह।